हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भारत की प्रमुख दर्रों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन ए बोलम, ऑप्शन बी कराकोरम, खैबर या शिपकी। तो ऑप्शन सी खैबर, ऑप्शन सी खैबर, या इस दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में दर्रा कौन सी है? तो शिपकीला, जोजिला, नाथुला या जैलेपला। तो इसमें से कौन सी दर्रा है? ऑप्शन ए शिपकीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? पीपनजाल, बुंदेल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या शिपकीला दर्रा। तो इसको पर्वतीय दर्रे का नाम दिया गया है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पिपली घाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पिपली घाट। ये पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली, पश्चिमी घाट, विध्यांचल श्रेणी या पूर्वी घाट। तो ये अरावली में स्थित है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, क्लिम्पेंपोंग लहासा, चंबा या स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश लहासा को। तो इसका ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? माना दर्रा या नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, जैलेपला दर्रा, शिपकीला और यांगपा दर्रा, बुर्जिल और जोजिला दर्रा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें है नाथुला और जैलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? उसमें से कौन सी दर्रा है जो इन दोनों के मार्ग से होकर गुजरती है? तो बुर्जिल, जोजिला, बनिहार या पीपरजाल। तो इसमें ऑप्शन सी बनिहार दर्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो वो कौन सी दर्रा है? वो है माना दर्रा। ठीक है, ये भारत और चीन की सीमा से लगी हुई है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसको चिरबीतिया दर्रा भी कहते हैं, डुंगरीला भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लीपू लेक उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो इसमें से नाथुला अरुणाचल प्रदेश जो है वो सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में मिलती है। ठीक है, सिक्किम की है वो दर्रा। नेक्स्ट है, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला भारतीय मार्ग है? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान या म्यांमार। तो ऑप्शन है डी म्यांमार। म्यांमार और भारत को जोड़ने वाली दर्रा जो है वो टोगुप दर्रा है। ठीक है, खैबर दर्रा का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है, भारत है या भूटान या बांग्लादेश। तो ये जो दर्रा है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, यहीं से जो थे वो आर्य जो थे भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दर्रा नहीं है? बाराला, शिपकीला, पाचाला या जैलेपला। तो इसमें से ऑप्शन डी जैलेपला जो है वो हिमाचल प्रदेश की दर्रा नहीं है, ये जो है ये सिक्किम की दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुज्जू दर्रा कहाँ स्थित है? मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये मणिपुर स्टेट में, मणिपुर में है ये तुज्जू दर्रा। ठीक है, लद्दाख में स्थित कौन सी दर्रा भारत की सबसे ऊंची दर्रा है? लीपू लेक, नीति दर्रा, काराकोरम या दीफू दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जो है वो भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? गंगा, सिंधु, सतलज या शिप्रा। तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है।
शिप किला का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, किस इस दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, सतलज, यमुना, रावी या झेलम। तो ऑप्शन नंबर ए सतलज, सतलज नदी द्वारा शिप किला दर्रा का निर्माण हुआ है। जैलिपला दर्रा का निर्माण किया किस नदी द्वारा हुआ है, तिस्ता, सोन, चंबल, गंगा। तो इसका निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है, ठीक है। डीफू दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या मेघालय। तो कहाँ है डीफू दर्रा, ये है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है।